तो क्या हाल है भाई लोगों। तो भाई लोगों, आज हम फिर ऐसे स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं जहां के टीचर ना तो पढ़ाना चाहते हैं और ना ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं। टीचर को डांस की पड़ी है और बच्चों को रोमांस की। अब्बा मुझे फिर से स्कूल जाना है, अब्बा प्लीज प्लीज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है ढंग से, मुझे ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। भाई ये बच्चे तो फिर भी इतने बड़े हैं कि सांप पकड़ खेल सकते हैं, पर भाई कुछ बच्चे तो गहरी बिल से निकले ही नहीं होते हैं कि दिल तुड़वा बैठते हैं। देखो क्या बोल रहा था आपको ये? खत्म हो गया भैया मैटर। बताओ, देख रहे हो साला, जब हम इतने बड़े थे तब हमें लगता था हमारे पास जो टोटी और गोटी है वो सिर्फ धार मारने के लिए होता है, और नहीं, सही में भाई ये कौन सा स्कूल है जहाँ ये सब होता है। और साला एक हमारा टाइम था जब हम स्कूल में 5 मिनट लेट हो जाते थे ना, तब हमारे गुरुजी गेट पे ही पेल देते थे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्या करे भाई, जब हमारी किस्मत ही गधे के 5वीं टांग से लिखी हो। और भाई ये वही बच्चे होते हैं जो टाइम से पहले शादी कर लेते हैं और अखंड सिंगल लोंडो को ज्ञान पेलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है प्रेगा न्यूज, और ये देख के आप सबको पता चल गया होगा कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए है। अच्छा, नहीं भाई, हमें लगा था बुखार नापने की मशीन है। नहीं सच में भाई, जब हम इनकी उम्र के थे ना, तब रास्ते में कॉन्डम फेंका मिलता था तो हमें लगता था गुब्बारा फेंका हुआ है। अब भाई वो दिन दूर नहीं जब ये लोग माँ के पेट के अंदर से ही सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन लेके निकलेंगे। मतलब भाई कुछ भी चल रहा है। भाई इतना ही नहीं, जब इनसे पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है तब देखो इनका नॉलेज। साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कौन सा अच्छा लगता है सब? बायोलॉजी। बायोलॉजी अच्छा लगता है। क्या क्या पढ़ के गई थी बायोलॉजी? बायोलॉजी में लैंगिक अलैंगिक जनन। क्या बोला तूने? लैंगिक अलैंगिक जनन। कौन पढ़ाता था स्कूल में बायोलॉजी? आई थिंक हम स्कूल तो 10th क्लास में जाते नहीं थे। अच्छा। तो हम टिंकू भैया से पढ़ते थे, आई थिंक वो बहुत अच्छे टीचर है। डालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। हाँ, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो पर ये जरूर पढ़ोगे। और टिंकू भैया ठीक है, तुम अच्छे टीचर हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम जनन वाला ही चैप्टर पढ़ाओगे। मतलब टिंकू भैया ने तो मौज कर दी यार। अब भाई टिंकू भैया की बात कर ही ली है तो जरा उनकी क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे जो है कोई लड़की है, ठीक है, और हम जो है उसको जो है जो लड़की को फोर्स दिए, ऐसे लड़की को फोर्स दिए तो लड़की की क्या क्या करेगी? एकदम जो है मायर गए बात करके उधर जाके। देख रहे हो टिंकू भैया की क्लास कैसे भरी क्लास में फोर्स दे रहे हैं। अब भाई इतने अच्छे से टिंकू भैया समझाएंगे तो वो तो बोलेगी ही ना। टिंकू भैया से पढ़ते थे, आई थिंक वो बहुत अच्छे टीचर है। नहीं सच में टिंकू भैया, आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे टीचर हैं। अब यार देखो, आजकल स्कूल में बस यही चल रहा है, कहीं धक्कम पेल तो कहीं मुजरा। रुको जरा, सबर करो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बताओ, देख रहे हो, लोंडो को सबर नहीं, बैरियर तोड़ के डांसर की छाती पे चढ़ने को तैयार हैं। नहीं मतलब डांस तो करने दो यार, बेचारी डांस करते करते रुक गई। और भाई इन्हीं में से कुछ लोंडे इतने पढ़ेले होते हैं कि इनके सामने कितनी मलूक कितनी ही खूबसूरत लड़की अपना लहंगा फैला दे लेकिन इनकी पढ़ाई नहीं रुकती। सबसे अलग सबसे असली तुम ख्याल पर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते।
देख रहे हो, ये टिंकू भैया का सबसे होनहार स्टूडेंट है। चाहे ये डांसर इसको लहंगे के अंदर डाल दे, पर इसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी भाई। और भाई अगर डांस की बात कर ही ली है तो हमारी पापा की परियां भी कौन सी कम है, अब इन्हीं को देख लो। अब्बा मुझे फिर से स्कूल जाना है, अब्बा प्लीज प्लीज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है ढंग से मुझे। अब तुम ही बताओ ये कौन सी पढ़ाई हो रही है, मतलब भाई आजकल स्कूल में क्या चल रहा है, जगह जगह पे टिंकू भैया की क्लासेस चल रही है। मतलब सच में भाई देख रहे हो इन पापा की परियों को कैसे कमर मटका रही हैं। नहीं सही बात भाई, पढ़ाई गई तेल लेने, हमें तो छपरी रीलर्स बनना है। तो बस भाई लोगों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फॉलो कर ले झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। और भाई लोगों थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट लेजी गेमर को भी दिखा देना, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ यार फटाफट लेजी गेमर को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।